प्रकार का बांधी रहता है, वो मैं आज आपको करके दिखाएगा। सबसे पहला स्लैश टाई रहता है, वो नीचे से क्रॉस करके लेने का, जिसको सिंपल है क्रॉस करके या हुक में एक साइड से दबा के इसको घुमाने का सिंपली, इसको स्लैश टाई कहते हैं। दूसरा वाला क्राउन टाई, वो नीचे से लेके ऐसा क्रॉस करके फिर दूसरा साइड से लेकर इसके फिर इससे सामने मिला के यहाँ पर उसको हुक बैंड करके एकदम से टाइट करते, ये क्राउन टाई है। तीसरा वाला रिंग हेयरपिन टाई, नीचे से लेके साइड में तुरंत ये करके घुमा के नीचे से फिर सामने लिया, इसको हेयरपिन टाई कहते हैं। पांचवा वाला, तीसरा वाला रिंग स्लैश टाई, पहले जिससे हमने बांधा था वैसा ही सेम, सिर्फ एक कोई भी सरिया को रिंग करने का, उसको रिंग करके ऊपर उठा के सिंपल जैसे बांधे थे वैसे ही सेम, उसको रिंग स्लैश टाई कहते हैं। पांचवा वाला रिंग हेयरपिन टाई, जैसे कि सामने से लेके कोई भी एक सरिया को रिंग करा के ये सामने नीचे से लेके उसको रिंग हेयरपिन टाई कहते हैं। और छठवा प्रकार का जो बांधी है वो लैपिंग करा के दिखाता हूँ। छठवा प्रकार का रहता है, उसको स्लिप टाई बोलते हैं, जो है दो सरिया को लैपिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, उसके लिए दो बाइंडिंग वायर लगता है, वैसा घुमा के फिर इसके पास से लेके डबल घुमा के उसके बाद उसको सिंपली सब बांधते हैं। ये लैपिंग टाई बोलते हैं, इसको स्लिप टाई बोलते हैं, स्लिप सिंपल रहता है, ऐसा लेके एक बार घुमा के लाने का फिर दूसरी जगह एक सिंपल ऐसा बैंड करके ऐसे छह प्रकार के बांधी है। ये पहला स्लैश टाई, दूसरा क्रॉस टाई, तीसरा हेयरपिन टाई, चौथा रिंग स्लैश टाई, पांचवा रिंग हेयरपिन टाई और छठवा स्लैश टाई, मतलब लैपिंग के लिए दो सरिया का लैपिंग करने के लिए इसको बांधा जाता है। ऐसे छह प्रकार के बांधी है।